दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर के प्रताप भवन होम स्टे एंड कुजीन, जहाँ आज हम खाएंगे क्वेल यानी बटेर, जंगली मांस और खड़मुर्ग भी, जो कि हमारे लिए बनाएंगे हिमांशु जी, जिन्होंने ये सब अपनी मदर से सीखा है। और आज हम इनकी इस खूबसूरत प्रॉपर्टी में इनकी पूरी मेकिंग देखेंगे और आपको खाकर भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर हूँ अपने जयपुर में ही। है मुझे पता नहीं था आज से पहले, जिसको बोलते हैं प्रताप भवन, और इसके बारे में मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा, क्योंकि आज हम दोबारा एक बहुत ही नई रेसिपी, बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके लिए लेकर आएँ। और ये जगह भी बहुत यूनिक है और यहाँ के लोग भी बहुत यूनिक हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अंदर चलते और आपको बताते हैं। आइए। हाय आशीष। हेलो सर, हाउ आर यू? Glad to meet you. I hope you didn't have difficulty finding the place. No, not at all. तो सर सबसे पहले तो ना ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं पहले। ये मेरा ancestral home है। Okay. Actually, I won't call it a heritage home, but मेरी मदर ने बिल्ड करा है in the 70s. The land was given by my grandfather. I have been born and brought up here. I've been working in the jungles past 19 years now, almost 19 years. Wow. I work as a naturalist. मैंने ताज सफारी से मेरा करियर चालू करा था, फिर मैंने 3 साल काम करने के बाद में यहाँ पे आई स्टार्टेड दिस होम स्टे। तो दोस्तों ये है सेटअप जो हमेशा हमें, जिसकी तलाश रहती है, यू नो। तो ये है कुकिंग सेटअप हमारा, और ये जामुन का मोर देखो यार, मोर देखो, वाओ। ये तो हमारे रेजिडेंट मोर है, क्या बात है, रहती है पूरी एक है फील प्रताप भवन का, उड़ जाए तो एक अच्छा शॉट मिल जाए, ये क्या बात है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तैयारी कर रखी है कुकिंग की, तो आज कुछ यूनिक है। वी आर मेकिंग क्वेल्स टुडे। वाओ, क्वेल्स इज अ पोल्ट्री बर्ड, इसकी फार्मिंग हो रही है। अजमेर में काफ़ी फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स, वहाँ पे इनकी फार्मिंग होती है। जयपुर के आसपास भी काफ़ी पोल्ट्री फार्म्स हैं, एंड बहुत कम लोगों को इस बारे में नॉलेज है कि ये एक पोल्ट्री बर्ड है। एंड इट्स लीगल, इट्स अ लीगल पोल्ट्री बर्ड, इट्स अ लीगल पोल्ट्री बर्ड। प्रताप भवन कुजीन में मैंने इसकी 3-4 डिशेस ऑफर कर रखी हैं, और मैं और भी डिशेस बनाता हूँ। सो आई एम कुकिंग अ वेरी यूनिक डिश टुडे, विच इज़ अ फैमिली रेसिपी अगेन, बट द नेम इज़ वेरी सिंपल, इट्स अ होम स्टाइल क्वेल करी विच आई एम डूइंग टुडे। जैसे कि घर पे लाल मांस बनता है, जैसे कि अलग अलग डिशेस बनती हैं, थोड़ी ग्रेवी वाली क्वेल डिश वो बनाऊंगा मैं, एंड ये मैंने सीखी है मेरे मदर से। क्या बात है। और 80-90% of dishes that I am serving Prataap Bhavan Cuisine menu also, it's all recipes from the family. Okay. ये दही है, बिल्कुल, प्याज, घी, we got garlic paste है, ये जिंजर पेस्ट है, ये कुछ कसूरी मेथी रखी है, और इसमें कच्ची घानी सरसों का तेल है, मिर्ची पाउडर है, दोनों सेम है, धनिया पाउडर है, मतलब सारे खड़े मसाले, इसमें और ये सारे घर के मसाले पीसे हुए, और ये बाकी के चीजें इंग्रेडिएंट्स जो कि इसमें जाएंगे, राइट। बिल्कुल। जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं, ये एक पुराना यूटेंसिल है मेरे घर का, तांबे का है, इसके अंदर अपन ने कली कराई हुई, कली कराना मतलब होता है इसको टिन करा रखा है हमने, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है कली, और इसमें जो इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। सरसों का तेल है, कच्ची घानी। तो ये जी दोस्तों ये डल रहा है अभी इसमें तेल, कच्ची घानी का सरसों तेल, ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। गरम मसाला डालते हैं अपन जी, मेरी एक अलग टेक्निक है जो मैंने मदद सीखी थी। अच्छा। मैं गरम मसाला पहले नहीं डालता, उसका रीजन ये है कच्ची घानी में अगर आप पहले डालोगे तो सब बर्न हो जाता है, बर्न हो जाता है। बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा प्याज डाल दूंगा, प्याज डालते ही साथ में गरम मसाला डाल दूंगा, वी नीड टू गेट द एसेंशियल ऑयल्स आउट ऑफ द गरम मसाला इनटू द व्हाटएवर रेसिपी वी मेकिंग। वैसे मैंने देखा है बहुत से लोगों की बहुत अलग अलग कोई गीला करके डालता है, तेल को फाड़ने की वो होती है, इसको तेल फाड़ना बोलते हैं। आप देखिए स्मोकिंग टेम्परेचर पे आ गया है, सॉरी वी स्टार्टेड स्मोकिंग, ये करीब अंदाजा है ये, ऑफकोर्स तो मेरे पास 6 बर्ड है, तो मान लीजिए आप मीडियम, डेढ़ से 2 अनियन मीडियम साइज़ के इसमें जा चुके हैं, तो इसके बाद में तो ये सारे आप खड़े मसाले ले रहे हैं, खड़े मसाले बेसिक, एक छोटी इलायची आ गई, लौंग है, छोटी इलायची, तेज पत्ता है, तेज पत्ता आ गया, थोड़ा सिनेमन आ गया, बस ये डाल दिया जी, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली छोटी बर्ड होती है, थोड़ी टेस्ट काफ़ी सिमिलर टू चिकन करती है, और इसका जो मीट का टेक्सचर है स्लाइटली टफ होता है चिकन से। अच्छा। इफ़ यू can compare it to anything, it will be chicken, and इसका जो मीट है वो टफ होता है थोड़ा सा, थोड़ा दिखाएं आप साइज। तो दोस्तों ये देखो, 90 ग्राम्स की बर्ड होती है, 80-90 ग्राम्स की, 80-90 ग्राम्स ओनली है जी, बटेर, बटेर। तो आज कितनी बटेर हैं यहाँ पे? आज 6 हैं, 6 बटेर हैं, 6 बटेर। एक से तो खैर मेरा नहीं कुछ होने वाला था, दो तो चाहिए, दो तो चाहिए एक आदमी का। इसमें मैं सॉल्ट भी डालूंगा, आपको सॉल्ट भी मैं पहले ही डालता हूँ, प्याज जल्दी गलते हैं इससे।
हिमांशु जी, आपकी जो ये जगह है ना, ये जो सेटअप है ना, पेड़ के नीचे बिल्कुल यू नो मजा सा आ रहा है मेरे को, इतना मजा है। कुकिंग शूट करते हुए बहुत कम टाइम आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स होते हैं चार पांच, यही सेटअप लगा लेते हैं, यहीं पे हम बैठ जाते हैं, ठंडा भी रहता है थोड़ा ये। क्या मजा आता होगा, नहीं रहती है यहीं पे, मतलब बैग चल रहे होते होंगे, बिल्कुल बनते रहते लगे जी, वो बहुत ही शानदार। ऐसा अपन करेंगे है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कैमरा कभी, ऑफ कैमरा करेंगे जी सर। ये देखिए अब ब्राउन होने लग गए, थोड़ा सा पानी लेके इसमें से, क्या बात है, इमीडिएटली आप देखिए कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर। देखिए टेक्निक आई यूजुअली डोंट शेयर, बट हाँ आज तो जी आपको सब शेयर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जेन्युइन बना रहा हूँ और सब कुछ इसके अंदर जो डलता है वैसे ही डाल के बनाऊंगा। थोड़ा इसको अब कलर आ गया है, अब इसको थोड़ा गलाएंगे, ओके, हल्का हल्का पानी डाल के, ताकि कलर और कलर अपना अच्छा आ चुका है ऑलरेडी। प्याज तो मतलब ना बिल्कुल अब घुल से जा रहे हैं इसमें ऑयल में, पानी डालते ही ये देख सकते हो आप। तो हिमांशु जी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब नेक्स्ट स्टेप मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगा, चार, तो काफ़ी पतला पेस्ट है इसलिए मैंने 4.5 डाल दिया, बाकी 3 चम्मच भी इनफ है। अच्छा, अगर ऐसी कंसिस्टेंसी हो तो 3 चम्मच बहुत है। अच्छा, ये तो ये और भी आप ये भी डाल रहे हो है ना अदरक, क्योंकि ये ही फील देता है जब अपन खा रहे होते हैं। मैं हमेशा मेरे किचन के अंदर, कभी भी आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं मिलेगा, हमेशा जिंजर पेस्ट सेपरेट, गार्लिक पेस्ट सेपरेट मिलेगा, बिकॉज अब गर्मी का मौसम आ गया तो ऑफकोर्स अदरक कम डालता हूँ, तो वो दैट ऑल्सो डिफरेंट। सो अब ये आपकी थोड़ा सा देखिए आप, लहसुन अदरक हल्का हल्का अपन ने फ्राई कर लिया है, थोड़ा कच्चापन निकल गया उसका, अब मैं इसमें क्वेल्स डाल दूंगा। वाओ दोस्तों, ये देखिए ये डल गई हैं क्वेल्स, देखिए कितनी छोटी छोटी हैं ये, छोटी है, कई सीजन होता है इसमें थोड़ी बड़ी आती है, कभी कभी वो सप्लायर पर डिपेंड करता है। देयर नॉट मोर देन 100 ग्राम्स यूजली, 110 ग्राम मैक्सिमम, ये अपनी 80-90 ग्राम्स की बर्ड्स हैं आज। तो अब इसको प्याज के साथ और कुछ मसालों के साथ अपन पहले भून लेंगे, थोड़ा हल्का सा भूनेंगे। एंड ये घर पे हमारे जो देसी स्टाइल में जो भी करी बनती है वो है ये, सो आई विल कॉल इट अ होम स्टाइल क्वेल करी, एंड यू कैन आल्सो कॉल इट, मतलब कोई ज्यादा फैंसी नहीं रख रहे हैं अब, इसको फैंसी नाम रखना चाहते हो तो फैंसी नाम भी, टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, नाम से क्या होता है, टेस्ट से मतलब है बेसिकली, बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, इसको हल्का सा अपन ने फ्राई करा है, हां, अब बाकी मसाले मैं डाल रहा हूं, बिकॉज क्वेल एंड चिकन में ये है कि थोड़ा जल्दी पकते हैं, अनलाइक मटन। तो ये चिकन से भी जल्दी पक जाता है क्या? नहीं, चिकन और ये बराबर से पकते हैं, कई बार इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज के लेग पीसेस थोड़े से टफ होते हैं। अच्छा, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास दही है, हाँ, तो अभी इसमें दही डाल रहे हैं, हाँ, इसमें करीब 3 डिश चम्मच अपन दही डाल रहे हैं। अब जाएंगे, स्पाइस लेवल डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है। ओके, ऐसा हल्दी डाल दिया अपन ने, ये मेरे पास जो मिर्ची कलर बहुत अच्छा देती है, सो आई, दिस इज लाइक बेसिकली आपकी चिली जो होनी चाहिए, हाँ, जब आप होल चिली लेते हैं अगर और खुद पिसवाते हैं, तो जो आपकी लार्जर वैरायटी की चिली होती है, हाँ, जो हल्का मीठा स्वाद देती है, हाँ, तीखापन कम देती है, वो वाली चिली यूज करनी चाहिए। ये देखो यार क्या कलर्स आ गए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं। अच्छा, एकदम थोड़ा सा पानी, दैट्स इट। अच्छा, सो सी इसमें मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आपने एक करी बनाई, करी बना के उसमें एक फ्रेग्रेंट कोई चीज होनी चाहिए अदर देन द गरम मसाला, सो इधर कसूरी मेथी और हरा धनिया, दे बोथ गिव अ वेरी गुड फ्लेवर एंड वेरी डिफरेंट फ्लेवर, सो इफ आई एम एडिंग हरा धनिया देन आई डोंट ऐड कसूरी मेथी, इफ आई ऐड कसूरी मेथी वाइस वर्सा। तो आप क्या प्रेफर करते हैं? हरा धनिया। तो सर जी हरा धनिया डालिए, हरा धनिया डालिए इधर ना, आपने मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि मुझे भी कसूरी मेथी क्या है वो मेन डिश होती है ना, हाँ हाँ, उसका वो फ्रेग्रेंस ले लेती है। सो आप देखिए ये बहुत एकदम भुन रहा है अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से, बहुत कम पानी डालूंगा, दोबारा एक बार ये पानी डाल, हल्का सा पानी एकदम। अब मसालों की भी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, अब इसको अपन पका रहे हैं। एंड इस स्टेज पे मैं एक और चीज करूंगा, अगेन ट्रिक फ्रॉम माय किचन, थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें, इस समय एक थोड़ा थोड़ा सा घी डालेंगे ना, और हम मसाले डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट भूना हमने, हाँ, और उसके बाद घी डाला, इससे एक अलग घी की खुशबू भी आ जाएगी सरसों के तेल के साथ में। दोस्तों बटेर खाएंगे आज। देखो मेरे साथ क्या है हिमांशु जी, कि सिर्फ खाना मेरे लिए बहुत नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ खा रहा हूँ, किस एनवायरमेंट में खा रहा हूँ, ये सारी चीजें मिलके ना एक वाव एक्सपीरियंस देती है। तो वो चीज दोबारा जी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हम कहाँ मेकिंग कर रहे हैं, क्या जगह है ये आप देख सकते हो, और बहुत बढ़िया। सी इट इज लवली वेदर टुडे, आज ऐसा लग रहा है आई थिंक 30 डिग्री टेम्परेचर होगा बाहर मैक्सिमम, बिल्कुल, और बारिश हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे, खाते टाइम हो लेकिन अभी नहीं होनी चाहिए। सो ये कुछ हरा धनिया है, ये अब अपन स्टेज पे डालेंगे, मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, तेल ऊपर आ गया है,
ये हरा धनिया डाला है मैंने, हल्का सा पानी डालूंगा इसमें। तो ये एक कड़छी पानी हो गया है ना, बस हल्की हल्की बारिश भी चालू हो चुकी है। ये है जी फील, दिस इज द कंसिस्टेंसी वी वांट व्हेन वी ईट। अच्छा ये कंसिस्टेंसी अपन रखेंगे चपाती के साथ खाने, करी है ना प्रॉपर। सो इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं पानी, ओके, ताकि ये थोड़ा थोड़ा रिलीज भी होएगा अभी। ओके, मसाला पक चुका है पूरा, जब ये बॉयल आ जाएगा तब इस पर ढक्कन लगा के और इसको करीब 10 मिनट्स तक रहने देंगे अपन और फिर चेक कर लेंगे। लेग पीस तोड़ के ट्राई करेंगे, इट विल बी डन मोस्ट प्रोबब्ली एंड इट विल बी। लॉट ऑफ पीपल कॉल मी फ्रॉम अदर सिटीज कि आप क्या भेज सकते हैं, सो मैं उनके लिए पिकल्स रखे हैं मैंने, इन हाउस पिकल्स हैं हमारे, मटन और चिकन के पिकल्स हैं, एंड आई गिव स्मॉल क्वान्टिटीज लाइक 500 grams, 300 grams, 1 kilo, सो इट गेट्स कंज्यूम्ड वेरी क्विकली। तो इनका एक बार प्राइस भी अगर आप बताएं तो। सो अगर आप जयपुर में ही ले रहे हैं मुझसे, यहीं से कलेक्ट कर रहे हैं या कहीं डिलीवर कराना जयपुर में, तो जो 300 ग्राम मेरी स्टैंडर्ड साइज है पैकिंग की, दैट इज अ ग्लास बॉटल, दैट इज 550 rupees फॉर द मटन, वो वाओ, एंड 350 rupees फॉर द चिकन। या कभी खाना नहीं बना तो यू कैन हैव इट विद द ब्रेड एंड यू कैन हैव अ प्रॉपर मील विद द पिकल्स दैट आई सर्व। आज मैं आपको ट्राई करवाऊंगा आशीष। अरे बिल्कुल, मैं करने भी वाला हूँ। बस तो अब ये बॉयल आ गया है इसमें देखिए आप जी, एंड आप देखेंगे तो ब्रेस्ट पीस तो ऑलरेडी पक चुका है, लेग थोड़ा सा टफ है अभी, तो मैं इसको थोड़ी देर 5 मिनट का या 5 से 7 मिनट का ढक्कन लगाऊंगा। ओके, तो अभी ढक देंगे। लग गया। कई बार ऐसे लोग भी आते हैं हमारे होम स्टे में आके रुकते हैं जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, मतलब इफ दे कम टू नो कि हमारे किचन में नॉनवेज बन रहा है सो दे विल नॉट ईट। सो उनके लिए मैं फिर उनको बताता हूँ, अश्योर करता हूँ, एंड आई डू अ सेटअप लाइक दिस, बाहर सेटअप करके एंड उनके लिए अलग से खाना बनाता हूँ, उनको दिखा भी देता हूँ कि आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ। तो हिमांशु जी ये होम स्टे है ना, मैंने रूम्स देख लिए, बहुत ही अच्छे हैं, है ना, बहुत खूबसूरत, और आपके जो ये पिक्चर्स हैं बिल्कुल बहुत सही। तो लोग कैसे इसको बुक कर सकते हैं, क्या प्राइजेस रहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो प्रताप भवन होम स्टे मेरा बहुत पुराना सेटअप है, पॉपुलर भी है, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग होम स्टेज ऑफ जयपुर है। हालांकि अभी कोविड पीरियड से मैंने इसको लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट को ज़्यादा दे रखा था जो महीनों महीनों के लिए बुक कर रहे थे, बट अगेन नाउ आई एम कमिंग बैक ऑन द रूटीन थिंग। प्रताप भवन होमस्टे को बुक करने का बेस्ट तरीका डायरेक्टली आप मुझसे बुकिंग कराइए या फिर आप booking.com के थ्रू, Airbnb के थ्रू इजीली इट कैन बी बुक, एंड अदर रूम्स बिटवीन 2800 to 3000 rupees में मैं दे देता हूँ, एंड इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड रखता हूँ मैं, है ना। अच्छा, एंड मील्स कैन ऑल्सो बी ऑर्डर्ड हमारे प्रताप भवन कुजीन मेन्यू में से कर ली जाए। किसी को डाइन इन भी करना हो आके तो 3 आवर्स पहले मुझे बता देते, मैं डाइन इन करा देता हूं। अरे वाह, बिल्कुल, मतलब अगर मुझे कभी अपनी फैमिली के साथ डाइन इन करना है तो मैं आपको 3 घंटे पहले बताऊंगा, बिल्कुल, विद द मेन्यू, विद द मेन्यू, विद द मेन्यू। तो आप लंच और डिनर मेरे लिए अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, बिकॉज एक ही डाइनिंग टेबल है तो हो सकता है उस दिन वो बुक्ड हो, कोई ऑलरेडी हो रहा हो कुछ, अच्छा अच्छा इवेंट, ओके, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज आई यूजुअली अलाउ पीपल टू कम एंड हैव अ मील। व्हाइल वी आर टॉकिंग लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेल, हाउ इट्स डूइंग। क्या खुशबू आई खुलते हैं। हाँ, इसका जो लेग पीस है उसको थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं। अब ये डन है, नहीं तो ओवर डन हो जाएगा फिर ये। अच्छा अच्छा। तो अभी वैसे भी थोड़ा जब गैस बंद होगा तो अंदर रहता थोड़ा है स्टीम तो। आइए आशीष, आई विल मेक यू मीट सम ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा। एल्सा ब्रिंडल। ओके। अच्छा। दैट्स ब्रिंडल, एल्सा, डेजी, रूगर, रेंजर, फैमिली मेंबर्स हैं। Who are very dear to me. Ranger, he's the eldest dog I have. Last में जो खड़ा है। Nature से इनसे बहुत प्यार है। बिल्कुल। मैं I cannot, I've never lived without dogs. So I've always had 2 to 3 pet dogs at my home since I was a kid. I would say I'm a dog lover. As a pet, I love a dog. क्या बात है? Yeah. तो ready है ये? आपको serve करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो जी मैडम भी आ गए हैं। That's my wife Dipti. Wow. Hello ma'am. Hello. How are you? She is my main accountant actually. अरे वाह, क्या बात है। Dipti is an interior designer and she has done all the interiors of the house. Wow. And she helps me out of the kitchen also. तभी मैं कहूँ इतने खूबसूरत, मतलब आपने कैसे कर लिया? Every year he has got a new project and he gives it to me. It's always low budget. ये मैंने सर से पहले भी पूछा था इनके किचन को लेकर के, तो वो झड़प तो होती होगी खैर थोड़ी बहुत। अब हमने सेपरेट कर लिया ना इनका, अलग कर दिया किचन में, पर हाँ कम होता है अब। माय गर्ल्स आल्सो वांट टू बेक एट टाइम्स, सो वी, माय एल्डर डॉटर कृष्णवी नाउ शी इज गेटिंग इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो अब वो केक बेक करने लग गई है, 10 इयर्स ओल्ड है, तो उसको इंटरेस्ट लगता है, मुझे तो उसको सिखाऊंगा पक्का मैं। सिखाइए फिर हम वीडियो बनाएंगे। बाय द वे आपका आज शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, मैं चाह रहा था कोई मेरी तारीफ करे। लेपर्ड है ये, लेपर्ड है ये तो। हां, इट्स अ चीता प्रिंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है, ये आपको सर्व करते हैं एकदम हॉट, पाइपिंग हॉट।
फाइनली हमारी बटेर बन करके तैयार हो गई। हाँ ये देखिए यार, ये आ गई इसके ऊपर करी, क्वेल करी, क्वेल करी जाएगी, चूर के खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष, वी गॉट सम मोर फूड फॉर यू हियर। अरे वाह, तो क्या क्या है जी? सो सम मटन कबाब्स एज स्टार्टर्स, मांस के कबाब। ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ जंगली मांस बनाई है मैंने आपके लिए, जंगली मांस। देन वी हैव द खड मुर्ग टुडे। आई मेड अ बोनलेस खड मुर्ग फॉर यू। इसके अंदर मुर्गा है पूरा बोनलेस। मंशु जी सच बताओ, ये ओवन में बनाया है? ये ओवन में बनाया है। बिल्कुल ओवन, बिल्कुल ओवन बनाया। क्या बात है। एंड ये हमारे दो पिकल्स हैं, कॉन्डिमेंट्स टू गो ऑन द टेबल, चिकन पिकल, मटन पिकल। बारिश ना बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत ही माहौल है। ये हमारे टेबल लग चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जस्ट जॉइन यू टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फूड। ये तो मैं ले लेता हूँ जी पहले। हाँ, ये तो आपको क्वेल आपने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। क्वेल मैंने देखा कि उसका साइज और छोटा हो गया है ना। ये देखो क्वार्टर प्लेट में भी बीच में छोटा सा लग रहा था, समझ सकता है ना। तो इस तरह से अगर है तो मेरे ख्याल में एक आदमी 3 से 4 तो खा जाता होगा, इसीलिए आप 6 लेकर आया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बटेर हमने बनवाई है आज, तो आप ये देख सकते हो। एक बार डिटेलिंग दिखाता हूँ इसको, मैं एक बार उठाता हूँ। ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं बटेर। पका नहीं था तब, थोड़ा सा बड़ा था, पकने के बाद में इसका साइज जो है छोटा हो गया है। 2 क्वेल हमने लिए हैं हमारी प्रिपरेशन में यहाँ पे प्लेट में। ये मैं पहले इसको इसी पे डाल देता हूँ। ये लिया जी हमने, और इसको एक बार ये देखिए, ये चेस्ट पीस हम लोग पहले लेते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो कितना अच्छे से पक चुका है। ये इसको लेते हैं हमारी तरी के साथ में। ना तो ये ज़्यादा पतली है, ना ही ये भुना मटन जैसी है, लेकिन ये एक परफेक्ट जो ग्रेवी होनी चाहिए वो है। एक बार बाइट, क्या टेस्ट है यार, क्या बना दिया इन्होंने ये। कुकिंग हमेशा आराम वाला काम है, धीरे धीरे करना। बिल्कुल सही है। ये देखो दोबारा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पूरी बटेर हमने डाली थी उसमें, तो ये आप देख सकते हो चेस्ट पीस मैंने लिया। ये इसका लैग देखो, बड़ा कमजोर लैग है जी इसका। लेकिन ये देखो, ये लैग है इसमें, आपको हल्का शू मिलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, एक बार इसको ऐसे ही खा करके देखते हैं। इसमें हमेशा थोड़ी सी बाइट रहती है। नहीं, बहुत सही है। देखो मैंने वीडियोस भी देखे हैं पहले क्वेल के, उसमें भी मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं थोड़ा ज्यादा चुई होता है। मेरे को आज नहीं लग रहा है, यानी ये बहुत सही पकी है। बाकी ये देख लीजिए, फील बताता हूँ क्या है। हम चिकन खाते हैं, खाने में टेस्ट में तो टेस्ट वैसा ही कर रहा है, सिमिलर है ना। मेन होता है कि लोग बोलते हैं गर्म होती है, गर्मी करती है, होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इट्स अ वाइट मीट, वाइट मीट गर्म नहीं होता है यूजुअली। देखो अभी तो मैंने 3 ही निवाले लिए और ये खत्म हो चुकी है एक तो, ठीक है। दूसरी वाली और मैं खत्म करूंगा। जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ अलग दिखाऊं आपको, क्वेल इससे पहले हमने की नहीं थी। थैंक यू सो मच मानशु जी ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके सिग्नेचर पिकल्स की। तो ये वाला तो है मांस का अचार, और ये है मुर्ग का अचार। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने इनसे पहले ही पूछा था कि सबसे ज्यादा क्या निकलता है मांस का अचार, तो पहले वो ट्राई करते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, ये देखो, हा 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 हा, तो निकालते हैं, छोटे छोटे से पीसेज हैं। जो है नॉनवेज बिल्कुल प्रेमी हो है, बिल्कुल, कि होना चाहिए हमेशा हर कहीं। अचार तो मेरे घर में हमेशा रहता था। ये देखो मैंने रोटी पे डाल के ना इस तरह से बस इसको दबाया, और कितना अच्छे से देखो, ये ऊपर से देखो अचार में सारी चीजें जो सौंफ और कलौंजी और सारी चीजें डलती है। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। वाह, ये तो मैं ले सकता हूँ सीरियसली। काश ये उस टाइम पे होते जब हम स्कूल जाया करते थे है, मम्मी वो आम का अचार दे देती थी, और उससे जो वो एक रोटी होती थी ना जो बिल्कुल जो तेल में और मसालों में हो जाती थी, उसके लिए लड़ते थे हम लोग। जब मैं हॉस्टल में था मेयो कॉलेज में, तो मैं वेट करता था यहाँ पे कि मामा अचार बनाए। जो डियर फ्रेंड्स थे उनको ही मालूम होता था, हम लोग रोज शाम को ब्रेड के साथ खाते थे। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। अचार बहुत सही है। प्राइजेस हमने आपको पहले बता दिए हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ऐसी चीज है आप बिल्कुल यहाँ से परचेज कर सकते हो, इवन डिलीवर भी करवाते हैं, बस आपको ऑर्डर करना है। ये एक और डिश है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत देर से वेट कर रही है हमारा, और ये है जंगली मांस। जंगली मांस, जंगली मांस, और इसकी प्रिपरेशन बता रही है तो पूछना ही नहीं है कि क्या चीज़ है। जंगली मांस देखो आप जिस तरह से बनाया जाता है, मिनिमम स्पाइसेस, और मेन तो इंग्रेडिएंट इसका होता है ये मिर्च। एक्चुअल मीट का फ्लेवर अगर आपको एंजॉय करना है तो इसके अंदर ही आएगा। तो देखो वैसे तो हम लोग आए थे एक पर्टिकुलर डिश के लिए, जो की थी क्वेल करी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये सारी चीजें बना के। ओ माय गॉड, ये देखो इधर देखो, पकावट देखो इसकी, सी
देख रहे हो, मेरे को इतने कमेंट्स आते हैं कि यार आप चूर के मत खाया करो, मजा है ना, लेकिन नहीं रुक सकता मैं, सॉरी। एक्चुअल तरीका यही है खाने का, रोटी पे डाल के दिखाओ जी। जब आप जैसे खा रहे हैं, दिस इज द प्रॉपर वे टू हैव इट आई थिंक। अगर घर में खा रहे हो तो हम भी ऐसे खाते हैं, वो फॉर्मेलिटी में फिर वो दो उंगली डुबो के खाने में मजा नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं होती मुझसे एक तो, और दूसरा क्या है, अगर आप खा ही रहे हो पूरा फील ही लेना है फ्लेवर्स का, तो ये है जी मेरी बाइट, ये देखो। मेरा एक्सप्रेशन थोड़े से फेक लग रहे होंगे आपको आज, क्योंकि ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा टेस्ट की वजह से आ रहे हैं। बहुत सही है। तो ये है मांस के कबाब, हालांकि ये चीजें हमें पहले खानी चाहिए थी, बट वो क्या है, ये दो चीजें देख के ना फिर मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये देखो, और ये इतना सॉफ्ट है ना, ये देख सकते हो आप, ये देखो, आ करके देखते हैं क्या मतलब कैसे बनाया इसको। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बॉयल होके बनता है पूरा ये, बॉयल होता है मीट पूरा। कबाब कच्चे भी बनाए जाते हैं वैसे तो, लखनऊ स्टाइल में पीस पीस के। मैं क्या करता हूँ, मैं बॉयल करके पूरा फिर बाद में पीस के इसको बाइंडिंग के लिए, इसके लिए मैं इसमें चना यूज़ करता हूँ, चना यूज़ की, इसीलिए बाइंडिंग बहुत अच्छी है, बाइंडिंग चना यूज़ करता आ रहा हूँ। तो मेल्ट तो हो ही रहा है ऑफकोर्स, लेकिन एक एक अलग खटास महसूस हो रही है, तो वो खटास किस चीज़ की? नींबू। क्या फ्लेवर्स हैं यार, कबाब बहुत सही है। स्टार्टर्स आप कभी भी यहाँ आते हैं मंगवाते हैं, ये बिल्कुल रखिएगा, उसमें बहुत सही टेस्ट कर रहा है। हालांकि अभी उसकी रेटिंग की भी बात करेंगे, बट यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी है ना, मस्ट ट्राई है, मैं आपको बता दूँ। बाकी एक और जो डिश है वो अभी ये हमारे सामने है, ये एक एज ओल्ड रेसिपी है जो मैंने पास डाउन जनरेशन से, मेरे नाना जी से, मेरे मदर ने सीखी, मेरे मदर से मैंने सीखी। अच्छा। और इसको वैसे तो खड्डे में बनाया जाता है जी, 3 feet wide, 3 feet deep खड्डा होना चाहिए। ट्रेडिशनल वे में मैंने सीखा इसको, बट ट्रेडिशनल वे में मैंने देखा कि अगर मैं बनाऊंगा ट्रेडिशनल वे में तो एवरी डे अगर ऑर्डर आएंगे तो मैं तो इसमें इसी में लगा रह जाऊंगा और कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सही बात। इसका मैंने डिवाइस करा, ये अवन में मैंने ट्रायल करी इसकी। ओके। अवन में बहुत अच्छा सूट करा मुझे, फिर मुझे अब टाइमिंग ध्यान है, मसाला वही यूज़ करता हूँ जो होना चाहिए जी, जो डलता था, जो मैंने सीखा है, तरीका वही है, टेस्ट वही है, पर कंसिस्टेंसी 100% हीट को हमने चेंज किया है बिल्कुल, कि वो खड़ वाली ना हो, कंसिस्टेंट हीट आती है आपके अवन के। एंड सी आशीष, इन द एंड इन दैट खड प्रिपरेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द हाइजीन आल्सो, देयर इज अ चांस मिट्टी चल जाए अंदर खाने के। सही बात। अब मैं किसी घर पे खाना भेजूं उसके मिट्टी आ जाएगा मुंह में तो फिर ट्रेडिशनल कुकिंग किरकिरा हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा ना मजा। सो आई मेक इट इन द ओवन एंड पीपल हैव बीन ऑर्डरिंग, दे ऑल लव इट, बट ओनली थिंग इज दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 पीपल टू बी एबल टू कंज्यूम इट। तो मेरे से तो वेट नहीं हो रहा बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो लेयर इसकी, ये रोटियों की लेयर है ना, रोटियों की लेयरिंग है। पाती की साइज बड़ी होती है। ये देखो यार क्या धुआं निकल रहा है, आप देख रहे हो, ये देखो क्या सॉफ्ट, ये देखो वाह यार, सी क्या बात। इसको मैंने बोनलेस बनाया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, इसको विद बोन भी बनाया जा सकता है। तो ये हम इसको उठा लेते हैं अच्छे से एक बार, ये देखिए लाइक दिस, और ये मैं ले लेता हूँ अपनी प्लेट पे, जो कि बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऑलरेडी तो। और ये जो रोटियां जिस तरीके से जस्प हो गई है ना, इससे पता चल रहा है कि जब वो उसका जूस निकलता है और वो सारी चीजें। ये है मेरा बाइट, एक बार खा करके देखते हैं, इतना सही टेस्ट कर रहा है ना ये, और मैं आपको दिखाता हूँ किस कदर पक चुका है मुर्ग अंदर। देखिए मैं सिर्फ इसको ये उठा करके, ये देखिए सी सी कितना अच्छे से, और इसको अपन एक बार एक और बाइट बनाते हैं। मैं तो जी हाथ से खा लेता हूँ, डोंट माइंड, हाथ से ही खाने की चीज़ है ये तो। ये देखो प्रताप भवन खड़ मास, वाह प्रताप जी देखो बिल्कुल गीले हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि खड़ा तो गीला तो मैं भी हो रहा हूँ, मेरी पूरी शर्ट गीली हो चुकी है, लेकिन मेरे से मैं नहीं उठूंगा अब यहाँ से, ठीक है। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। क्या प्राइस है इसका? ये मैं आजकल बिकॉज ऑफ द डिमांड हाफ प्लेट भी देने लग गया हूँ, पहले मैं फुली देता था, फुल के लिए एटलीस्ट 5 people आर रिक्वायर्ड टू फिनिश इट ऑफ। ये हाफ पोर्शन आई एम गिविंग एट 1000, फुल आई एम गिविंग एट 1600। आप लोग कमेंट करो कि आप में से किस किस को ये खड़मास रेसिपी अवन में बनाना सीखना है, कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी बारीकियां लगती है, राइट? बिल्कुल। तो हम आपकी डिमांड पे वो भी करेंगे। दोबारा क्वेल पे आते हैं, हालांकि हम आज आए थे क्वेल के लिए, क्वेल करी बहुत ही अच्छी थी, और अब जो इसकी रेटिंग होनी चाहिए आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए। उसके अलावा आज हमने यहाँ पे दो चीज़ें और खाई, तीन चीज़ें, इन दोनों का मैं कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का ही जो रेटिंग होना चाहिए वो सेम है, और आपको रेटिंग स्क्रीन पे दिख रही होगी। जी हाँ,
रेटिंग बकायदा यही होनी चाहिए। प्रताप भवन बहुत ही सही जगह है, इसका एक अलग वाइब है, मैं वो आपको बता नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। तो आप जब आएंगे तब आप इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी वीडियो को यूट्यूब पे तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियो को फेसबुक एंड इंस्टा पे भी डालते हैं, तो आप इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टा पे आपको रील्स मिल जाती है और कुछ टाइम बाद में फेसबुक पे आपको फुल वीडियो भी मिल जाती है। उसके अलावा अभी मैंने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप मेरे ब्लॉग से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन किसी और नई जगह पर किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।